वेल दोस्तों, फाइनली हम लोग अभी बाहर निकल रहे हैं। अभी मतलब 6 महीने की बात, हम लोग घर जा रहा हूँ मैं, और ये रहा लगेज एरिया। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आप लोग वीडियो देखते रहिएगा, क्योंकि ये और एक बात है, ये वीडियो मतलब कंटिन्यू रहेगा। मेरा जर्नी बहुत लंबा है, लंदन से लेके मुंबई तक 9 घंटे का फ्लाइट है मेरा। उसके बाद मेरे को मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से गुवाहाटी, हर मतलब वीडियो अलग अलग रहेगा। सो अभी का जो वीडियो है ये खाली लंदन से मुंबई तक है, और ये रहा लंदन का पूरा, लंदन जाने का जो हाईवे है ये है एयरपोर्ट जाने का। और आप लोग थोड़ा भी व्यू को एंजॉय कीजिए। और ये जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट का नाम है हिथ्रो एयरपोर्ट, लंदन हिथ्रो एयरपोर्ट। और अभी हम लोग जा रहा हूँ टर्मिनल 2 पे जा रहा हूँ। देखिए ये जो हिथ्रो एयरपोर्ट है, ये पहले एक्चुअली वाओ क्या व्यू है यहाँ पे। देखिए आप लोग, कार कितना ट्रैफिक जाम है यार। ये हाईवे 4 लेन, 4 लेन, 8 लेन है दोनों साइड में। सो ये जो हिथ्रो एयरपोर्ट है, ये एक्चुअली पहले मिलिट्री का एयरफील्ड हुआ करते थे 1929 पे। और उसके बाद पहला टर्मिनल ओपन होता है टर्मिनल 2, जो हम लोग अभी चेक इन होगा, जहाँ से मैं फ्लाई करेगा अभी, फर्स्ट टर्मिनल था। उसके बाद मतलब 1955 में वो मतलब टर्मिनल ओपन किया वो लोग, मतलब बिजनेस के लिए। उसके बाद इसीलिए उनको क्या बोलते हैं, क्वीन टर्मिनल बोलते हैं। अभी हम लोग पहुँचने वाला है एयरपोर्ट के सामने। और ये जो एयरपोर्ट है, क्या बात है, ये देखिए वेलकम टू हिथ्रो लिखा है यहाँ पे, आपको दिख रहा है ब्रिटिश एयरवेज वेलकम टू हिथ्रो यहाँ पे लिखा है जो। और ये जो एयरपोर्ट है, एरिया बहुत बड़ा है यार, 1227 एकड़ है जमीन, इतना बड़ा है। मतलब ये देखिए, ये टर्मिनल 5 है ये। अभी टर्मिनल 5 से हम लोग को बहुत दूर जाना है टर्मिनल 2 जाने के लिए, तो इसीलिए आप लोग देखते रहिएगा। ये नंबर 4 है, टर्मिनल 4 है, ऐसा टर्मिनल 4, 3, 2 और 5 है। सो क्या बात है, कटर कटर एयरलाइंस का ये जो फ्लाइट रखा है, और ये शायद अफ्रीकन एयरलाइंस का है। सो दोस्तों ऐसा ही है, अभी आप लोग देखते रहिएगा ये वीडियो, मतलब बहुत आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिलेगा, क्योंकि आप लोग को ट्रैवलिंग कैसे करना है, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग कैसे करना है, ये सब कुछ आपको मिलेगा, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। सो आप लोग को एक एक चीज़ आप लोग को यहाँ पे नॉलेज मिल जाएगा आपको, अगर आप पहली बार अगर ट्रैवलिंग कर रहा है, इंटरनेशनल एयर फ्लाइट ट्रैवलिंग कर रहा है। अभी हम लोग सो ये रहा टर्मिनल 2, द क्वींस टर्मिनल बोलते हैं इसको, क्योंकि ये पहला टर्मिनल हिथ्रो का। सो इस सीधा अभी एयरपोर्ट के अंदर जा रहा हूँ, अभी डिपार्चर है ना मेरा। अभी मतलब हमारा फ्लाइट तो बहुत लेट में है, इसका मतलब 9:30 को है रात को। जब भी दोस्तों, अभी देखो मेरा अभी कैमरा होल्ड करने के लिए मेरे को कुछ ये नहीं है, सामान नहीं है, तो मैं ऐसे ही बैग पे पकड़ के मैंने मैंने ऐसे ही मतलब बैग भी पकड़ा मैंने साथ में, और उसके बाद वीडियो भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। देखो दोस्तों, मैं जब भी ट्रैवलिंग करता हूँ, अब आप भी अगर कभी ट्रैवलिंग करता है, तो आप लोग को हमेशा कौन सा कपड़ा पहनना चाहिए जो मतलब इजी है, कंफर्टेबल है, जो सिक्योरिटी चेकिंग में मतलब कोई दिक्कत नहीं होते, ऐसा कपड़ा पहनना चाहिए। जैसे कि ट्रैक पैंट पहनना चाहिए, और मतलब बेल्ट ले जीन्स पैंट नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि आपको जीन्स पैंट पहन के गया तो आपको क्या होगा, बेल्ट निकालना पड़ेगा, आपको सब कुछ निकालना पड़ता है, तो इसके लिए सिक्योरिटी चेकिंग में, तो इसके लिए बेटर ट्रैक पेन अच्छा है सबसे। और स्पोर्ट्स का मतलब जितना भी स्पोर्ट्स वेयर जितना भी है, वो पहन के आप घूम सकते हैं, ट्रैवलिंग कर सकते हैं, सबसे बेस्ट है। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ, आप लोग को एडवाइस करता हूँ कि आप लोग ऐसा ही मतलब पहने, ठीक है। सो दोस्तों अभी 5:30 बजे मतलब हमारे जो क्या बोलते हैं चेक इन स्टार्ट होगा, तो अभी फ़िलहाल चेक इन नहीं है, क्योंकि एयर इंडिया के पीछे है, डी लाइन पे हूँ। और यहाँ पे ना लंदन का जो हिथ्रो एयरपोर्ट है, सबसे बेस्ट मतलब एयरपोर्ट है, क्योंकि इजी है, मतलब इजी एक्सेस है। आप मतलब जो नया कोई अगर नया न्यूली ट्रैवलिंग कर रहा है, पहली बार ट्रैवलिंग कर रहा है, वो भी आसानी से मतलब उनको ट्रैवलिंग करने को हो जाता है, क्योंकि क्यों यहाँ पे मतलब जो चेक इन ये है वो बहुत इजी है, मतलब काउंटर है बहुत इजी है, इजी से मिल जाता है, इसीलिए मतलब इतना दिक्कत वाली बात नहीं होता है। तो ये देखिए, और लेकिन बात क्या है ना, यहाँ पे टर्मिनल बहुत है, मतलब 2, 3, 4 और 5, मतलब 4 टर्मिनल है। हम लोग अभी टर्मिनल 2 पे हूँ, और आपको अगर दूसरे टर्मिनल जाना है तो आपको दूसरा बस पकड़ना पड़ता है, उनका बस रहता है हमेशा। तो इसके लिए
उसमें थोड़ा दिक्कत है, बाकी अब एक बार टर्मिनल पर घुसने के बाद आपको प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मैं थोड़ा वॉशरूम जाके आता हूँ, यहाँ पे वॉशरूम है ही है सामने। सो रही बात दोस्तों, ये वीडियो मतलब थोड़ा जो मतलब फर्स्ट टाइम ट्रैवलिंग कर रहे हैं उनके लिए बनाई है अभी मैं, क्योंकि जो पहले ट्रैवलिंग कर चुका है उनके लिए तो मतलब चाहिए भी नहीं है, क्योंकि उनको पता है कैसा ये ट्रैवलिंग करना है। आपको आज दिखाएंगे मतलब एक मशीन है, आप वेब चेक इन किया करने के बाद फिर अगर आपको टैग निकालना है, बैग लगेज का टैग निकालना है, तो आपको निकाल सकते हैं यहाँ पे, आप निकाल सकते हैं हर एयरपोर्ट में आजकल है अभी, क्योंकि अभी यहाँ पे सामने एक मशीन है, मशीन पे दिखाता हूँ आपको मैं कैसे निकालना है, क्योंकि मैंने भी मेरा अपना जो लगेज टैग है उसको मतलब अपना खुद ही निकाला मैंने। वैसे क्या होता है ना, नॉर्मली आप चेक इन करते हैं, नॉर्मल चेक इन करने का टाइम पे आपको काउंटर वाले दे देते हैं आपको, जिस एयरलाइंस के आप ट्रैवलिंग कर रहे हो उनका जो काउंटर स्टाफ है वो लोग दे देते हैं, लेकिन अभी मैं आपको खुद करके दिखाता हूँ आपको मैं कैसे करना है, ठीक है? चलिए तो फिर। सो दोस्तों आपको दिख रहा है यहाँ पे एयर इंडिया लिखा है, यहाँ पे यूनाइटेड लिखा है, यहाँ पे और मतलब हर एयरपोर्ट एयरलाइंस का पूरा यहाँ पे दिया है ये सब। सो दोस्तों ये सब एयरलाइंस का नाम है, मतलब जितना भी अपना एयरलाइंस है कंट्री का उसका नाम है। सो अभी हम लोग का जो मेरा जो है वो एयर इंडिया है, आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब 3 लाइन आपको कंप्लीट करना है आपको चेक इन करने का टाइम पे। सेल्फ सर्विस चेक इन आजकल होता है, हर एयरपोर्ट पे रहता है, इंडिया में भी रहता है। तो अभी फिलहाल इंडिया में एयर इंडिया जाता हूँ मैं, और उसके बाद कंफर्म करना है, ठीक है? ये पूछ रहा है कि आपका लगेज में मतलब आप जो बैगिंग चेक इन करता है, बैग बड़ा वाला लगेज जो फ्लाइट में डालता है, उसमें आप क्या क्या नहीं डाल सकते हैं? ये देखिए फ्लैमेबल जो मतलब जो भी मतलब चीज़ें मतलब डेंजर चीज़ है वो लेके नहीं जा सकते आप, वो पहले एग्री करना चाहिए आपको। ये एग्री करने के बाद आपको परमिशन दे देगा, परमिट करेगा, ठीक है? उसके बाद हैंड कैरी बैग में क्या लेके जाना है आपको, कैरी बैग में कभी भी आप लोग लेके जाना चाहिए बैटरी का चार्जर, जो भी लिक्विड इलेक्ट्रॉनिक सामान है, इलेक्ट्रॉनिक सामान सब लेके जाना चाहिए। और यहाँ पे लगेज में आप लिक्विड का सामान अंदर डाल के लेके जा सकता है। एग्री कर दीजिए। एग्री करने के बाद आपको यहाँ पे कंफर्मेशन नंबर मतलब जो आपका जो ई टिकट का नंबर होता है, या तो आपका क्या बोलते हैं बुकिंग नंबर होता है, रेफरेंस नंबर होता है, या तो आपका पीएनआर नंबर होता है, ये डालने के इधर। उसके बाद नहीं तो आपको बोर्डिंग पास है तो आपको बोर्डिंग पास स्कैन कर सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं डाल दिया तो समझो मेरा पास तो अभी फिलहाल नहीं है, तो मतलब मैं ऑलरेडी चेक इन कर दिया, तो ये करने के बाद आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपको इसका जो स्टेप है वो फॉलो करने का है, बस इतना ही है, बाकी और कुछ नहीं करने का आपको, ठीक है? उसके बाद अपने आप प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे आपको पासपोर्ट पासपोर्ट का जो ये है ना पासपोर्ट यहाँ पे स्कैन करना चाहिए, और अपने आप यहाँ से आपका टैग निकल के आ जाएगा यहाँ पे। सो ये सिंपल है, बहुत सिंपल है, आसानी से यूज़ कर सकते हैं आप लोग, ठीक है? मैं अभी फिलहाल एग्जिट करता हूँ, क्योंकि मैंने एग्जिट मुझे अभी ये प्रिंट नहीं करना है। और अगर आपको कुछ भी मतलब कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे लिखा है टिकट डेस्क लिखा है, अभी यहाँ पे आके आप लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जो भी एयरलाइंस का है सब कुछ, एयरलाइन का हर एयरलाइंस का मतलब इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। अगर आप चाइनीज में बात करते हैं चाइनीज में बात कर सकते हैं, जो भी लैंग्वेज का बात करना है आप कर सकते हैं। सो ये रहा, तो अभी फ़िलहाल मैं आप लोग को छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन दे दिया यहाँ पे कैसे ट्रैवलिंग करना चाहिए। और अभी मैं ये दिख रहा है आप लोग द क्वींस आर्म्स, यहाँ पे मैं कुछ खा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा कुछ खाना पड़ेगा और थोड़ा पी भी रहा हूँ, ठीक है? सो दोस्तों अभी का जो ट्रैवलिंग वीडियो है ये कंटिन्यू रहेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल जो मैंने जो वीडियो बनाया है यहाँ तक पहुँचने का मेरा ट्रैवलिंग वीडियो है, और यहाँ से मुंबई जाने का ट्रैवलिंग वीडियो भी मैंने निकलेंगे, ठीक है? अभी हम लोग थोड़ा यहाँ पे कुछ खाया, क्योंकि भूख लगा था ना इसके लिए, और उसके बाद थोड़ा पीना भी चाहिए ना हमको, पी लिया थोड़ा, और उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं मतलब साउथहैम्पटन से लंदन आने के लिए 1.5 घंटा लगा, तो वहाँ से यहाँ तक आके ये वीडियो बनाया, उसके बाद यहाँ से फिर मुंबई जाने के लिए एक अलग से वीडियो रहेगा आपको, आप लोग वीडियो कंटिन्यू देखे रहेगा, ठीक है? और एक से एक मतलब एक स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनते रहेगा। अभी मुंबई में पहुंचने के बाद मुंबई से दिल्ली जाएगा, दिल्ली से गुवाहाटी डायरेक्ट जाएगा, तो इसके लिए सब वीडियो बनते रहेगा एक एक करके, क्योंकि पूरा वीडियो बनाने को गया तो बहुत लंबा हो जाएगा ना इसके लिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।